हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर अपने इससे पहले इस चैप्टर के दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज अपने जो वीडियो है इसके अंदर अपने इस चैप्टर के तीन और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले नंबर पर फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य, सेकेंड नंबर पर रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप, और थर्ड नंबर पर रक्त का थक्का जमने की क्रियाविधि कि रुधिर स्कंदन की जो प्रोसीजर है उसका वो कैसे अर्कन होता है। ठीक है, तो इसको अपने तीनों टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अपने जानते हैं कि जैसे ही हमारे श्वसन तंत्र द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है और फेफड़ों में कुपिकाओं तक पहुँचती है, तो कुपिकाओं के पास रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है और वहाँ से विसरण द्वारा वो ऑक्सीजन जो है वो किसको दे दी जाती है, हमारे रक्त को दे दी जाती है। और रक्त में पाया जाता है एक श्वसन वर्णक जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने का क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार हमारे रक्त का पहला जो काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ऑक्सीजन का परिवहन जो रक्त है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में करता है। किस रूप में करता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में करता है। और मैंने कल बताया था आपको कि एक हीमोग्लोबिन का अणु चार ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, हाँ, एच बी के प्रकार भी बताए थे मैंने। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एच बी के प्रकार जो है वो आपने एच बी ए, एच बी बी, एच पी एफ बताए हैं, जबकि कुछ बुक्स में आप ये पढ़ा होगा आपने एच बी ए वन, एच बी ए टू, एच बी एफ, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आप याद रखना कि एच बी तीन प्रकार के होते हैं जो कल बताए थे आपको। ठीक है, वो वैसे आपकी नॉलेज के लिए था, प्लस टू के अकॉर्डिंग आपको वो याद भी नहीं करना। ओके, सेकेंड काम रक्त का जो दूसरा काम है वो है CO2 का परिवहन करना। रक्त CO2 का परिवहन तीन प्रकार से करता है, लेकिन अपने लिए जरूरी नहीं है कि कैसे कैसे, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ। अपने सिर्फ याद रखना है, अपने जानते हैं कि जब किसी कोशिका के अंदर, मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम से पाचित भोजन जो होता है वो अवशोषित होकर कहाँ पहुँचता है, कोशिकाओं में, और इधर से ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन उन खाद्य पदार्थों का, उन सरल कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके वहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस करती है, CO2 फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और उस CO2 को हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन वापस वहाँ से लेकर आता है और किसको दे देता है, हमारी फेफड़ों की कुपिकाओं में छोड़ देता है, जिससे वो कुपिकाओं से हमारे श्वसन तंत्र से माध्यम से होती हुई शरीर से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये रक्त, इन दोनों को आप इस प्रकार पढ़ सकते हो कि ये गैसों का परिवहन करता है रक्त एक प्रकार से, क्योंकि दोनों ही गैसेज है, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और CO2 को हमारे वापस कुपिकाओं तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। ठीक है, तीसरा जो काम है वो है खाद्य पदार्थों का वितरण। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा बच्चों कि जब अपना भोजन पच जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उसके बाद उसका अवशोषण किया जाता है रक्त के अंदर, यानी उन खाद्य पदार्थों को जो पच गए हैं उनको किस में डाला गया, रक्त में, और रक्त उन खाद्य पदार्थों को हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुँचाने का क्या करता है, काम करता है। ये इसका तीसरा फंक्शन है। चौथा, हमारे शरीर का जो दैहिक ताप है, जो निश्चित ताप है नियत 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फारेनहाइट, उसको बनाए रखने का काम भी कौन करता है, हमारा रक्त इस काम में सहायता करता है। ठीक है, अगला हार्मोनों का सेवन। अपने जानते हैं कि जो ग्रंथियां हार्मोन्स स्रावित करती हैं और हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, ब्लड में छोड़े जाते हैं, और हमारा रक्त उन हार्मोन्स को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का, जहां वो संबंधित उसका कार्य है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। अपने जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, अपने पढ़ेंगे भी आगे हार्मोनल वाले में, कि जो वो हार्मोन, वो जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो तो हमारे ब्रेन में है, मस्तिष्क के अंदर है, वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उनके हार्मोन जो है वो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को, बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो वो हार्मोन रक्त के अंदर छोड़े गए और रक्त उनको सभी जगह पर पहुँचाने का काम करता है, ताकि वो अपना काम एज ए रेगुलेटर, एज ए नियामक अपना काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट रोगों से सुरक्षा।
अपने रक्त के कंपोनेंट पढ़े थे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने पढ़ा कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यानी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन से संबंधित काम करती है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलती हैं जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन एंटर करता है, और प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती हैं। तो इसका मतलब ये किससे सुरक्षा कर रही हैं, हमारे रोगों से क्या कर रही हैं, हमारी सुरक्षा कर रही हैं। ठीक है बच्चों, अगला चोट मरम्मत। डब्ल्यूबीसी जो है वो जब कोई चोट लगती है, घाव होता है, तो घाव को भरने के लिए आप जानते हैं कि कोशिकाएं विभाजन करती हैं, डब्ल्यूबीसी उन कोशिकाओं को विभाजन के लिए भी प्रेरित करती हैं। तो इसका काम यहाँ एक ये भी कर सकते हो कि ये चोट के मरम्मत में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट रक्त का थक्का जमना, ये अपने आज डिटेल में पढ़ेंगे इसको। प्लेटलेट्स जो हैं ये रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमना ये भी किसका कार्य है, ये हमारे रक्त का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। उत्सर्जी पदार्थों में CO2 वाला तो बता ही दिया आपको। सेकंड थिंग, हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें जो यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी फॉर्मेशन होती है, तो हमारा रक्त उस यूरिया, यूरिक अम्ल को लेके जाता है हमारी किडनी के पास, ताकि हमारी किडनी जो है उन यूरिया, यूरिक अम्ल को वहां से निकाल कर और यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर क्या कर सकें, उत्सर्जित कर सकें। तो उत्सर्जी पदार्थों को हमारी किडनी तक पहुँचाने के लिए कौन काम करता है, हमारा ब्लड काम करता है, ताकि हमारी जो किडनी है उन अपशिष्ट पदार्थों को वहां से निकालकर ब्लड में से, शरीर से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट जल संतुलन। जल जो आप पानी पीते हो वो अवशोषित होकर आपके रक्त में जाता है, और रक्त ही उस अवशोषित हुए जल को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ जो अतिरिक्त जल होता है उसको भी ये वहां से लेकर किसके पास लेके जाएगा, किडनी के पास लेके जाएगा, और किडनी वहां से उस रक्त को क्या करेगी, अपने में निकालेगी, और यूरिन फॉर्मेशन जो होती है यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, जितना अतिरिक्त जल है हमारे शरीर में उसको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये तभी संभव हुआ जब रक्त उसको किसके पास लेके गया, किडनी के पास लेके गया। तो हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में और कोशिकाओं से अतिरिक्त जल को हमारे शरीर से बाहर निकलवाने में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट रोगों का निदान। निदान का मतलब होता है किसी प्रकार का पता लगाना। अपने जानते हैं, अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले किसी और टेस्ट को करने से पहले डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड की रिपोर्ट करता है, क्योंकि इससे उसको उस संबंधित रोग के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका ब्लड से ही पता लग जाता है, जैसे कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था ल्यूकोसाइटोसिस, जिसमें TLC की मात्रा बढ़ जाती है किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब बढ़ी तो डॉक्टर को इसका पता कैसे लगा, ब्लड से ही पता लग गया। तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनके निदान का मतलब होता है पता लगाना, जांच करके उसमें ब्लड जो है वो हेल्प करता है। तो ये मेन फंक्शन थे रक्त के कार्य, इनके बारे में आपको नोट्स में ये पॉइंट ही लिखे हुए मिलेंगे। तो जितना मैंने आपको बताया ये आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे भी ये इजी है बिल्कुल, जो जितने भी पॉइंट हैं आपके वैसे याद रह जाएंगे एक बार वीडियो अच्छे से आप देख लोगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये अपना कंप्लीट हुआ आज का पहला टॉपिक। अब अपने आज का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप। रुधिर समूह अपने जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के जो ब्लड ग्रुप हैं वो सेम नहीं होते। ये आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो A है, किसी का B होता है, AB या O होता है। तो ये अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है ये किस कारण से हैं, उसको अपने समझेंगे इसके अंदर, रुधिर समूह के अंदर। और इसी के साथ यहाँ अपने ये देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है, किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है या किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, तो देखिए रुधिर समूह जो है इसके बारे में सबसे पहली बात, मानव रक्त की जो RBC होती है उसकी सतह पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और मानव रक्त की जो प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी। इस एंटीजन का एक और भी नाम है, इनको एग्लूटिनोजन भी कहते हैं और इनको एग्लूटिनिन भी कहते हैं। प्रतिजन को एक नाम और दिया जाता है एग्लूटिनोजन, और प्रतिरक्षी को एक नाम और दिया जाता है एग्लूटिनिन। अब इन प्रतिजन के आधार पर और इन प्रतिरक्षी के आधार पर, सबसे ये ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं, RBC की सतह पर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है,
प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और इनके आधार पर, खास करके किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर, हमारा जो रुधिर समूह है इसमें दो तरह के तंत्र काम करते हैं, दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक रुधिर समूह होता है जिसको कहा जाता है एबीओ सिस्टम, और सेकंड जो है उसको कहा जाता है आरएच सिस्टम। अब इन दोनों के बारे में अपने को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है ये। देखिए, एबीओ सिस्टम की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में, ठीक है। आरएच सिस्टम की जो खोज करने वाला था वो एक तो यही साहब थे कार्ल लैंडस्टीनर, और एक इनके साथ और था विनर। और आरएच सिस्टम जो खोजा गया था ये मकाका रहिसस नामक वानर के अंदर खोजा गया था, और इसी रहिसस के जो पहले दो शब्द हैं आरएच, उसी के आधार पर इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, आरएच सिस्टम रखा गया। अब देखिए ये एबीओ सिस्टम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया सबसे पहले इसको खोजा गया, उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि हमारे मानव रक्त की आरबीसी पर दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस पर दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से, ए व बी, ठीक है। और प्लाज्मा में दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, ए व बी, कौन से एंटीजन में, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है वो तो अपने जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। अपने लिए यहां क्या समझना है कि कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार हमारे आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन ए व बी तथा प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी ए व बी, इसके आधार पर जो रक्त समूह है वो चार प्रकार का हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ हो सकता है, और इस सिस्टम को कहा जाता है ए बी ओ सिस्टम, ठीक है। अब इधर जब इसकी डिस्कवरी होगी तो उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मकाका रहिसस नामक वानर में एक और एंटीजन खोजा, यानी मकाका रहिसस नामक जो वानर था उसकी जो आरबीसी थी ब्लड में उस आरबीसी पर इन्होंने ए बी के अलावा एक और एंटीजन देखा, और उस एंटीजन का नाम था क्या, आरएच। और आरएच एंटीजन पाया जाता है जिनमें, उन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जो है वो तो होता है आरएच पॉजिटिव, और जिनमें ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और आरएच एंटीजन जिसमें पाया जाएगा उन व्यक्तियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती इसके खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ कोई उनकी प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। जबकि इधर वाला जो अपने पढ़ रहे हैं इनमें आप देखोगे आगे जब अपने टेबल करेंगे इसकी एबीओ सिस्टम की तो वहां देखोगे कि इनमें प्राकृतिक रूप से इनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या समझा, रुधिर समूह क्या है, सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता, क्यों, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन या जिसको एग्लूटिनोजन कहते हैं उसके कारण, और प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज जिसको एग्लूटिनिन कहते हैं उसके कारण, ठीक है। अब इस एंटीजन के आधार पर रुधिर समूह में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम किसके आधार पर है, ए व बी एंटीजन के आधार पर, किसने खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच सिस्टम किसके आधार पर है, आरएच एंटीजन के आधार पर, ठीक है, किसने खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। किसमें खोजा, मकाका रहिसस नामक वानर में इसको खोजा गया था। अब इन दोनों सिस्टम को, एबीओ सिस्टम क्या है, आरएच सिस्टम क्या है, इनको अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें एबीओ सिस्टम की, कि एबीओ सिस्टम क्या है, देखिए मैंने अब आपको अभी बताया कि ए व बी एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए, ए बताया, बी बताया, ए बी बताया और ओ बताया, ठीक है। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, ए बी ओ सिस्टम कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर यह कहता है कि अगर आप किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, मान लो आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का रक्त या उसका शरीर उस बी वाले रक्त को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण कोशिकाओं के, रक्त कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, और गुच्छे बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इस गुच्छे बनने की प्रक्रिया को जब आपने समान रक्त समूह ना दिया हो और गुच्छे बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है समूहन
या इसको कहते हैं आश्लेषण। क्या है समूहन या आश्लेषण? कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो उसका ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ना देकर कोई और ब्लड ग्रुप देते हो, कौन सा किसको दे सकते हैं वो तो अभी अपने डिस्कस करेंगे, अगर ये दे देते हो तो रक्त कोशिकाओं के जो हैं वो गुच्छे बन जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को यानी कोशिकाओं के गुच्छे बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? समूहन या आश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब आप देखिए इन सभी को अपने समझते हैं एक एक करके, ए बी और ओ। अगर अपने बात करें ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो होता है ए। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो होता है बी। ए बी के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो होता है ए बी, और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीजन के आधार पर चार वर्गों में बांटा, जिसमें ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए हो गया। जिसमें बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? बी। जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे आरबीसी की सतह पर वो कौन सा हो गया? ए बी। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है। अब अगली बात, ये तो हुई एंटीजन की बात, अब इनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? अगर ए ब्लड ग्रुप है मींस ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। इसको स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, ये कोई ये स्मॉल में इसलिए लिखते हैं कि ये आपस में मिक्स ना हो जाए आपका। ठीक है, तो ये आप मत समझना कि इसको स्मॉल बी में लिखना होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये कैपिटल बी में लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, बी अगर ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है ए। ए बी अगर होगा तो इसके पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ओके, और ओ ब्लड ग्रुप होता है तो इसके पास ए व बी दोनों एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब अपने सबसे खास बात, अपने लिए ये जरूरी है कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस वाले ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। यहाँ आपको तीन बातें समझनी है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ये बातें अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको कभी इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है किसी को, फिर से, जो व्यक्ति किसी को ब्लड दे रहा है उसका हमेशा एंटीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी से ब्लड ले रहा है उसका एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये होगी कंप्लीट। तीसरी बात, समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी ही खत्म कर सकती है। जैसे ए अगर एंटीजन है तो उसको खत्म करने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए ही कर सकेगी। तभी तो आप सोचिए, आप एंटीजन की कॉमनली परिभाषा क्या लेते हो? एंटीजन आप ये मानते हो कि बाह्य पदार्थ जिसको एंटीबॉडी खत्म करती हैं, तो ये तो आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। तो फिर ऐसा क्या है कि हमारा शरीर इसको खत्म नहीं करता? क्यों? क्योंकि इसके लिए इस वाले व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो बी प्रेजेंट है, और मैंने बताया इसको कौन खत्म कर सकती है? ए एंटीबॉडी ही इसको नष्ट कर सकती है। तो तीन बातें, रक्त देने वाले का एंटीजन इंपॉर्टेंट, रक्त लेने वाले की एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट, और समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी ही नष्ट करती है, यानी कि तभी समूहन या आश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, इसको एक डायग्राम से और इससे आप समझते हैं अपने। इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और नहीं दे सकता तो क्यों। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अपने ब्लड ग्रुप ओ की, तो आप देखिए ओ की तरफ कोई भी तीर इधर से एरो का साइन नहीं है, सिर्फ ओ वाले जो रुधिर वाले व्यक्ति होते हैं समूह वाले, उसको सिर्फ कौन से व्यक्ति रुधिर दे सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाले ही व्यक्ति जो है वो रुधिर दे सकते हैं। जबकि ये खुद जो है वो ए को भी रक्त दे सकता है, ए बी को भी रक्त दे सकता है और बी को भी रक्त दे सकता है। ऐसा क्यों? देखिए इधर इधर सारणी में देखो, अब ये रहा ओ ब्लड ग्रुप। जब अपने देने की बात करें, जब ये किसी को रक्त दे रहा है, चाहे ए को दे रहा है, चाहे ए बी को दे रहा है, चाहे बी को दे रहा है, मैंने आपको बताया जो व्यक्ति ब्लड देता है उसका क्या देखना है आपको? एंटीजन देखना है। तो देखो ओ के पास कौन सा एंटीजन है? ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो चाहे किसी के भी शरीर में प्रवेश करवा दीजिए इसको, इसको कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो नष्ट नहीं कर पाएगी, कोशिकाओं के गुच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है
ये सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी दे दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? फिर से सुनिए, ओ को आपने यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। जब एंटीजन ही किसी के शरीर में जब आपने रख दे दिया ओ वाला किसी को, तो एंटीजन तो कोई गया ही नहीं, तो फिर उस शरीर में पाई जाने वाली कोई भी एंटीबॉडी जिसको नष्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब बात करें ए बी की, तो ए बी आप देख रहे हो कि ये ए से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और खुद ए बी से भी ले सकता है। तो ऐसा क्यों कि ए बी सभी से रक्त ले सकता है? तो यहाँ सारणी में देखिए, ए बी के पास एंटीजन तो ए बी है, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं है। जब एंटीबॉडीज कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके शरीर में आप ए एंटीजन प्रवेश कर जाए, चाहे बी कर जाए, चाहे ए बी दोनों कर जाए, तो एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये रक्त कोशिकाओं के जो समूहन होता है गुच्छे बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। और एंटीबॉडी होने के कारण आप ए बी को कोई भी रुधिर समूह वाला व्यक्ति जो है वो ब्लड दे सकता है। तो इसी कारण ए बी जो है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। तो दो क्वेश्चन बड़े सिंपल से, सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, ये तो आप रट लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझ भी आ गया होगा आपके। छोटी क्लासों में तो रट्टे ही मारते थे कि वो सभी को दे सकते हैं और ए बी सभी से ले सकता है। लेकिन अब समझने की बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं होता। और बी जो ए बी जो है वो सार्वत्रिक ग्राही क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होती, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब अगर अपने बात करें कि अगर सपोज कीजिए आपने ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसको आपने क्या दे दिया, बी वाला रक्त दे दिया, आपने ए वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या दे दिया, बी वाला ब्लड दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति ब्लड देता है उसका एंटीजन देखना है, तो यहां दे कौन रहा है, बी दे रहा है, तो बी के पास एंटीजन कौन सा है, बी है, ठीक है। ले कौन रहा है, ए वाला ले रहा है, और लेने वाले का क्या देखना है, आपने एंटीबॉडीज देखनी है, तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज है, बी। तो जब इसका बी एंटीजन इसके शरीर में प्रवेश करेगा तो समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी क्या कर देती है, उसके गुच्छे बन जाते हैं रुधिर के, तो इसी कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रुधिर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये था ए बी ओ सिस्टम। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, वो इससे पता लग जाएगा आपको, और साथ ही साथ समूहन या असलेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें ए बी और रुधिर समूह की वंशागति। वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। देखिए ये क्या है, एक साइंटिस्ट था बर्नस्टीन ने बताया कि मानव के अंदर जो रक्त का निर्धारण है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ब्लड ग्रुप, तो इसका निर्धारण जो है, रक्त का निर्धारण जो है, वो एक जीन करता है। आप जानते हैं कि सभी कॉमनली जितने भी मानव में लक्षण होते हैं या किसी भी प्राणी में जो लक्षण है उसका निर्धारण जो है वो एक जीन द्वारा किया जाता है, और किसी भी एक जीन के जो है वो दो युग्म विकल्पी होते हैं। लेकिन बर्नस्टीन ने ये बताया कि ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाला जो जीन है इसके दो युग्म विकल्पी ना होकर तीन युग्म विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। फिर से सुनिए, बर्नस्टीन ने क्या बताया कि मानव शरीर में रक्त का जो निर्धारण करने वाला जीन है, रक्त समूह का निर्धारण करने वाला जो जीन है, इसके दो युग्म विकल्पी ना होकर तीन युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है। इसको बहु युग्म विकल्पी एलील भी कहते हैं, ये अपने चैप्टर नंबर 35 के अंदर पढ़ेंगे जब मेंडल वाला करेंगे अपने वहां पर। तो जो जीन है उसके तीन युग्म विकल्पी हैं, यहां पर कौन कौन से तीन एलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। इसमें से ये वाले जो दोनों हैं ये प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं, जबकि आई ओ जो है ये होता है अप्रभावी, रिसेसिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब अपने सभी ब्लड ग्रुप्स जो हैं ए बी, ए बी या ओ, इनका जीनोटाइप देखते हैं, जीन प्रारूप देखते हैं। देखिए अगर अपने देखें ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप, जीन प्रारूप क्या होता है, तो ये होता है आई ए, आई ए, या आप इसको ये लिख सकते हो आई ए आई ओ। ये इसलिए लिखा क्योंकि ए प्रभावी है किस पर, ओ पर।
अगर एक एरियस जो है उस पर ए होगा और दूसरे पर ओ होगा, तब भी ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? ए रहेगा। क्यों? क्योंकि ए प्रभावी है किस पर? ओ पर। बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसका जीनोटाइप होता है आई बी आई बी, या इसको लिख सकते हो आई बी आई ओ। ऐसा क्यों? क्योंकि बी प्रभावी है किस पर? ओ पर। लेकिन जब ये दोनों साथ साथ आते हैं, तो दोनों प्रभावी जब साथ साथ आएंगे तो ये सह प्रभाविता दर्शाते हैं, जैसा कि ब्लड ग्रुप ए बी में होता है, तब इसका जीनोटाइप हो जाता है आई ए और आई बी, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा जब दोनों पर ही क्या प्रेजेंट होगा? ओ होगा, क्योंकि ये अप्रभावी है। इसी कंडीशन में ये अपना करेक्टर शो करेगा। अगर इसकी जगह पर ए आ गया या बी आ गया तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये इनका क्या है? जीनोटाइप। और ये बताने वाले कौन थे? बर्नस्टीन थे। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये होता है कि मान लो कोई एक संतान है, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हो, अपने एक टेबल मिलेगी आपको नोट्स के अंदर, आप सभी के बारे में उसमें एक एक करके आप ये चेक भी कर सकते हो। और आगे उस टेबल में अपने पास तीन चीज़ें दी होंगी, ठीक है, जैसे पिता का रक्तसमूह दिया होगा, माता का रक्तसमूह दिया होगा और बच्चे का संभावित रक्तसमूह दिया होगा कि कौन सा रक्तसमूह हो सकता है। मैं उनमें से आपको सिर्फ एक या दो करवाऊँगा, बाकी आप इजिली आपको जब समझ आ जाएगा तो आप आसानी से वो करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, अगर पिता का रक्तसमूह जो है वो ओ है और माता का रक्तसमूह जो है वो मान लो आप बी है, पॉजिटिव नेगेटिव वो आगे कंसेप्ट अपना, पहले आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने बात की कि पिता का रक्तसमूह जो है वो क्या है? ओ है, तो आप जीनोटाइप लीजिए यहां से आई ओ आई ओ। बी माता का है तो माता वाले में से अपने को ये लेना है, ठीक है, आई बी आई ओ, तो इसको अपने अलग अलग कर लो आई बी आई ओ। जब अपने इनके बीच क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो सबसे पहले इसका इसके साथ करवाते हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आया? आई बी आई ओ आया, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे तो आई ओ आई ओ आया, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे तो आई बी आई ओ आया। इसका इसके साथ करवाएंगे तो आई ओ आया। तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? देखिए, आई बी आई ओ है तो कौन सा होगा? बी। दोनों पर ओ है तो कौन सा होगा? ओ। एक पर बी ओ है तो कौन सा होगा? बी। तो यहाँ क्या आया? ओ। मतलब 50% बच्चे जो हैं वो तो कौन से ब्लड ग्रुप के हैं? बी के। और 50% कौन से हैं? ओ के। तो एक बात, अब मान लो कोई बच्चा है और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ए, ठीक है, या उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। तो एक तो ये दंपत्ति जो है उस पर जाके अधिकार कर रही है, इसने कहा कि ये बच्चा हमारा है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप आपने चेक किया, दोनों का ब्लड ग्रुप एक का ओ था एक का बी था, इनके बीच जब क्रॉस करवा के देखा गया इस प्रकार, तो क्रॉस करवाने से पता लगा आपको कि इनका तो जो बच्चे होंगे उनमें ए या ए बी ब्लड ग्रुप संभव ही नहीं है। इनके ब्लड ग्रुप वाले बच्चे तो सिर्फ कौन से हो सकते हैं? या तो बी वाले होंगे या कौन से होंगे? ओ वाले होंगे। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो इस प्रकार रुधिर समूह की वंशागति द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी ब्लड ग्रुप का आपस में क्रॉस दिया होगा, एक टेबल बनी होगी और आगे संभावित बच्चों के प्रकार जो रुधिर समूह होंगे उनके वो दिया होगा, आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, तो वहां आप इजिली वहां ये करके देख सकते हो। एक मैं आपको और बता देता हूं इससे रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा जाए। कोई भी ले लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो तो ले लिया ए बी, और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो आपने ले लिया ओ, या आपने बी ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं अपने, सबसे पहला ए बी है तो इसका जीनोटाइप आई ए आई बी, बी है तो इसका जीनोटाइप आई बी और आई ओ वाले को साथ में ले लो, ठीक है। अब इसको आप कुछ जरूरी नहीं, ऐसा अगर आपको ना आए करना तो आप इस प्रकार कर सकते हो, क्रॉस बोर्ड चेकर मेथड द्वारा कर सकते हो, इन दोनों को ऊपर लिख लीजिए आप आई ए आई बी, इन दोनों को इधर लिख लीजिए आई बी आई ओ, इसका और इसका करवाया तो क्या बना? आई ए आई बी, इसका और इसका करवाया तो आई बी आई बी, इसका और इसका करवाया तो आई ए आई ओ, इसका और इसका करवाया तो आई बी आई ओ। तो देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए बी, ये बी,
ये कौन सा बी और ये भी कौन सा सॉरी ये ए और ये कौन सा बी। तो इसका मतलब कौन कौन से ग्रुप पॉसिबल हैं, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे का, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। कभी भी कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, जब पिता का ब्लड ए बी ग्रुप है और माता का कौन सा है बी है। तो इस प्रकार ये एक टेबल मिलेगी आपको, आप इजीली वहां से करके ये देख सकते हो, चाहे आप ऐसे कराओ क्रॉस, चाहे क्रॉस बोर्ड चेकर मेथड द्वारा करना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है ए बी ओ सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपने इसमें नेक्स्ट जो दूसरा अपने सिस्टम पढ़ा था आर एच सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। आर एच सिस्टम, इसकी खोज ऐसे पहले बताई दी आपको, किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरा था विनर। किसमें की थी, मकाका रहीसस नामक वनर में की थी और इसी के कारण इसको आर एच कहा गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में आर एच कारक प्रेजेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। और भारत में 93% व्यक्ति जो हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जिनके ब्लड ग्रुप में आर एच कारक जो है वो एब्सेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। और भारत में 7% लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, यानी ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है और ओ नेगेटिव हो सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जिन व्यक्तियों के ब्लड में आर एच पॉजिटिव यानी कि आर एच कारक पाया जाता है उन व्यक्तियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट इस आर एच कारक के लिए नहीं होती। ठीक है, बाद में फॉर्मेशन होती है इसकी। अब देखिए कैसे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है और दूसरा ब्लड ग्रुप जो है जिसका रक्त जो है वो ए नेगेटिव है, आपने ये वाला जो रक्त है वो इसको दे दिया, तो क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज पाई नहीं जाती। ठीक बात, तो ये जो ब्लड ग्रुप आप एक बार तो इसको दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी, वो अपने इस रुधिर समूह का जो है वो गुच्छे नहीं बनेंगे, यानी कि उनका क्या नहीं होगा, समूहन या अश्लेषण नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये प्रक्रिया बार बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार करोगे या दूसरी बार ही करोगे, तब तक इसके शरीर में आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। और फॉर्मेशन होने से जब आप दूसरी बार ये ब्लड ग्रुप इसको दोगे तो वहां पर वो जो पहले प्रक्रिया हो रही थी जिसमें कोशिकाओं समूहों के गुच्छे बन जाते हैं उनके, वो यहां पर प्रक्रिया होगी। और इस कंसर्न में इसको कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आपसे पूछा जाए आइसो इम्यूनाइजेशन जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आर एच सिस्टम से रिलेटेड है, जबकि समूहन या अश्लेषण जो पढ़ा था अपने वो किससे रिलेटेड था, वो एबीओ सिस्टम से रिलेटेड था। ठीक है, तो आइसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि अगर आप आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को बार बार देते हो तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है, इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब आर एच सिस्टम से सबसे जो खास अपने पास है वो एक रोग है जो अपने को यहां पर डिस्कस करना है। देखिए क्या नाम है उस रोग का, उस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या आर एच बेजोड़ता भी लिखा हुआ मिल सकता है। एग्जाम में आपको यह पूछा जा सकता है कि आर एच बेजोड़ता क्या है, तो देखिए ध्यान से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता क्या है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है इस रोग से। अगर किसी आर एच पॉजिटिव वाले रक्त वाले व्यक्ति का विवाह है आर एच नेगेटिव वाली स्त्री से हो जाता है और इन दोनों का जो पहला बच्चा होता है वो आर एच अगर पॉजिटिव होता है, यानी उनका जो पहला शिशु होगा वो आर एच पॉजिटिव आता है, तो क्योंकि इस मादा के शरीर में इस आर एच पॉजिटिव के लिए पहले से तो कोई एंटीबॉडी थी नहीं, जब इस बच्चे का जन्म होगा आर एच पॉजिटिव वाले का तो कुछ रक्त के अंश जो हैं प्रसव के समय, पार्चुलेशन के समय जब बच्चे का जन्म हो रहा होगा तो इसके रक्त के कुछ अंश अगर इसके रक्त में मिल जाते हैं आर एच नेगेटिव वाली माता के, तो क्योंकि पॉजिटिव चला गया इसके रक्त में तो इसकी माता के शरीर में इस आर एच पॉजिटिव के लिए क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है।
अब इन फ्यूचर अगर ये दंपत्ति दोबारा से बच्चा लेना चाहे और दोबारा से बच्चा लेना चाहे और दूसरा बच्चा जो है वो फिर से कौन हो, आरएच पॉजिटिव हो, और आरएच पॉजिटिव होगा तो इसके शरीर में पहले से ही बड़ी पड़ी है उसके लिए क्या, एंटीबॉडीज, तो ये या तो बच्चा जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, यानी कि ये कोशिकाएं उनको एंटीबॉडीज जो हैं उसके रक्त समूह को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती हैं, या बच्चा जो है वो प्री मैच्योर जन्म लेता है, यानी छठे या सातवें माह में जन्म ले लेता है, और अगर जन्म ले भी लिया बच्चे ने तो उसमें जो है वो रक्त की क्या रहती है, कमी रहती है उस बच्चे के अंदर, ठीक है, और वो बच्चा जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता, जन्म के बाद भी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए, इससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है तो डॉक्टर जो है वो प्रसव से पहले, प्रसव से 72 आवर्स या जब जन्म हो जाता है बच्चे का उसके बाद, प्रसव के बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर इस माता को आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी का इंट्रावेनस टीका लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये जो आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी डालेंगे माता के शरीर में वो क्या करेंगे, इस ये जो एंटीजन है जो प्रवेश किया इस माता के शरीर में, ये आरएच नेगेटिव एंटीबॉडीज जो है वो उस एंटीजन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और नष्ट करने के कारण अब इस माता के शरीर में उस आरएच पॉजिटिव के लिए क्या नहीं बन पाएंगी, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी, और इन फ्यूचर उसको अगर दूसरा बच्चा एक्सेप्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस रोग को जिसमें ये प्रक्रिया सारी होती है, इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और इस प्रकार के जो शिशु हैं उसको कहा जाता है रिसस शिशु। फिर से सुनिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, ये एक आरएच बेजोड़ता से संबंधित रोग है। जैसे अगर आरएच पॉजिटिव का विवाह आरएच नेगेटिव माता से होता है और जो उनका पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव होने के कारण इसके प्रसव के समय कुछ अंश रक्त के किस में चले गए, माता के शरीर में चले गए, जिसके कारण उसके शरीर में किसकी फॉर्मेशन हो गई, एंटीबॉडीज की, तो पहले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं आई। इन फ्यूचर अगर दूसरा बच्चा ये एक्सेप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज उस बच्चे के रुधिर समूह का स्कंदन कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं रक्त समूह को उसके, तो जिससे बच्चे की या तो गर्भ में मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो वो अगर सर्वाइव करता है तो प्री मैच्योर पैदा होगा और वो बच्चा लंबे समय तक रुधिर की कमी के कारण सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और इस प्रकार के शिशु को कहते हैं रिसस शिशु। इससे बचने के लिए प्रसव के 72 आवर्स के अंदर अंदर जो मादा है उसको आरएच नेगेटिव एंटीबॉडीज का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे ये एंटीबॉडीज बनने से पहले ही उस एंटीजन को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और फिर इन फ्यूचर वो जो दंपत्ति है वो दूसरा बच्चा एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये रिलेटेड था किससे, आरएच सिस्टम से, जो आपको जितनी बातें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो टॉपिक कंप्लीट हुए अपने आज के, फंक्शन ऑफ ब्लड कंप्लीट हुआ और सेकंड नंबर पर ब्लड ग्रुप के बारे में जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए अपने प्लस टू के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दी। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब अपने आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, रुधिर का थक्का जमना, कि रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया होती है ब्लड क्लॉटिंग की चोट लगने पर वो किस प्रकार होती है। ठीक है, रुधिर का थक्का जमना या रुधिर स्कंदन, देखिए अपने जानते हैं कि अगर अपने को कोई सामान्य चोट लगती है तो कुछ समय बाद 5 से 10 मिनट बाद रक्त का बहना जो है वो बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रक्त का थक्का जमना, जिसमें अपने चोट वाली जगह पर एक जेल समान, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो जेल समान एक पदार्थ का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रक्रिया ये जो है उसको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का जमना। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कंप्लीट कैसे होता है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं वो अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे रुधिर के अंदर कुल 13 प्रकार के कारक पाए जाते हैं, स्कंदन कारक पाए जाते हैं जो रुधिर के जमने में हेल्प करते हैं। उनको नाम भी इसी प्रकार हैं, रुधिर स्कंदन कारक फर्स्ट, रुधिर स्कंदन कारक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब अपने को वो सारे के सारे कारक नहीं पढ़ने, अपने लिए दो कारक आएंगे यहाँ पर, एक तो रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और एक रुधिर स्कंदन कारक नंबर 10th। अपने को ये दो ही यूज करेंगे जब अपने इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, पूरी की पूरी ये कुछ थ्योरी है कैस्केडवाद थ्योरी वगैरह वो अपने को नहीं डिस्कस करनी। ठीक है, देखिए अब ये जो प्रक्रिया है रुधिर का जमना जो है वो कंप्लीट कैसे हुई। सबसे पहले अपने जानते हैं जब अपने कहीं भी चोट लगती है तो वहां पर जो उत्तक है वो क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, तो क्षतिग्रस्त उत्तक,
और साथ ही साथ जब वहाँ से ब्लड बाहर आने लगेगा तो उसके साथ कौन बाहर आएंगी, प्लेटलेट्स बाहर आएंगी। और ये दोनों क्षतिग्रस्त उत्तक और प्लेटलेट्स जो दोनों हैं, ये जब ब्रेकडाउन होंगे, टूटेंगे, तो इनसे बनेगा, इनसे मुक्त होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। वैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन भी दो प्रकार का होता है, एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्षतिग्रस्त उत्तकों से एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, जबकि प्लेटलेट्स के टूटने से एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। लेकिन अपने सिंपल याद रखना आप कि दोनों के टूटने से क्या मुक्त हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये रुधिर स्कंदन कारक नंबर कौन सा, 7, और एक दूसरा एक और बताया था मैंने 10th, इन दोनों की उपस्थिति में, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हेल्प करेंगे इसकी कौन से आयन, कैल्शियम आयन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और 10th की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में निर्माण करेगा, एक एंजाइम में बदल जाएगा ये, जिसका नाम है थ्रोम्बिनेज। ये थ्रोम्बिनेज जो है, इसका एक और भी नाम है, इसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बियन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। और यही अपने रुधिर का थक्का जमना की जो प्रक्रिया है उसको मेजरली 3 चरणों में डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है, 3 स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। जब आप थ्योरी देखोगे नोट्स के अंदर, यहाँ तक का जो प्रोसीजर था ये थ्रोम्बिनेज का निर्माण करना, ये इसमें पहला पॉइंट है जिसको आप लिखते हो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। इस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ, क्षतिग्रस्त उत्तक व प्लेटलेट से कौन मुक्त हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसने रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और 10th की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयनों की हेल्प से किसका निर्माण किया, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक या थ्रोम्बिनेज एंजाइम का क्या किया, निर्माण किया। अब ये थ्रोम्बिनेज क्या करेगा, अब याद कीजिए प्लाज्मा में प्लाज्मा की जब आपने संगठन किया था तो मैंने 2 वहां पर प्रोटीन बताई थी आपको, कौन कौन सी, एक बताई थी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और दूसरी बताई थी फाइब्रिनोजन। और मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो शुरू तो कर दिए इन्होंने काम, अब वो रुधिर स्कंदन करने वाले जो कारक हैं यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या काम करेंगी, देखिए सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन था प्लाज्मा के अंदर ये इनएक्टिव होता है, कैसा होता है, ये प्रोटीन जो है ये इनएक्टिव है, ये थ्रोम्बिनेज एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव कैसे है वो अभी देखोगे आप। अब आपको जो सेकंड प्रोटीन थी जिसका नाम था फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन जो है ये घुलनशील प्रोटीन होती है, कैसी प्रोटीन है, ये घुलनशील प्रोटीन है ये, और बहुलक होती हैं ये फाइब्रिनोजन जो है। ये जो थ्रोम्बिन बना ये क्या करेगा, एक्टिव जो है ये इस फाइब्रिनोजन को, घुलनशील प्रोटीन को, अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन के अंदर, और ये फाइब्रिन जो है वो कैसी प्रोटीन है, अब अघुलनशील है, इसके छोटे छोटे रेशों में कन्वर्ट कर देगा, एकलक इकाइयां बना देगा इस फाइब्रिन की। ये फाइब्रिन क्या करेगा, जहां चोट लगी है वहां पर दागेनुमा संरचनाएं एकलक के रूप में, वहां दागेनुमा इसकी संरचनाएं बन जाएंगी। जैसे ही इसके दागे चोट वाली इस जगह पर बनेंगे तो वहां पर जब रक्त तो बह ही रहे अपना, तो जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो इन दागों के अंदर आकर क्या होने लगती हैं, फंसने लगती हैं, और धीरे धीरे वो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब फंस रही हैं इसके अंदर आके, तो वहां से बिल्कुल ये बंद हो जाता है हमारा ऊपर से गाव, एक जेलनुमा संरचना बनने के कारण, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रुधिर का थक्का जमना। अब इसको आगे वाले जो पॉइंट हैं 2 उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये सेकंड हो जाएगा, जिसमें क्या लिखोगे, सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण, या इसको ये भी लिख सकते हो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलना, थ्रोम्बिन का निर्माण। और तीसरा जो प्रोसेस है इसमें आ जाएगा रक्त का थक्का जमना। तो ये 3 पॉइंट हैं किससे रिलेटेड, रुधिर का थक्का जमने या रुधिर स्कंदन से रिलेटेड। फिर से एक बार सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ, पहले पॉइंट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण करना है अपने को, तो जो क्षतिग्रस्त उत्तक होते हैं और प्लेटलेट्स जो होती हैं चोट लगने पर जो बाहर आते हैं उनमें उनसे मुक्त होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन,
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और 10 की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयनों की प्रेजेंस में कौन से एंजाइम का निर्माण करता है, थ्रोम्बिनेज। इसको कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने वाला। अब ये थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये सेकंड पॉइंट हुआ, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो प्लाज्मा में पाई जाने वाली दूसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो कैसी है, घुलनशील, ये उस बहुलक को अघुलनशील एकलक इकाइयाँ फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन जो है वो दागेनुमा संरचना बनाएगा गाव के ऊपर, और जैसे ही वो बनेगी तो उसमें रक्त कणिकाएं आकर फंसती जाएंगी, जिससे धीरे धीरे 5 से 10 मिनट के अंदर रक्त का बहना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये थी रुधिर का थकना जमना या रुधिर स्कंदन की कंप्लीट प्रोसेस। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। नोट्स के अंदर आपको ये भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, इन प्रोसेस में भी जब ये काम हो रहा होगा, इस प्रोसेस में भी कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस में भी कैल्शियम आयन जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम आयनों का जो रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में विशेष योगदान होता है। और ये जो दोनों हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका निर्माण मैंने वहाँ भी बताया था आपको, लीवर के अंदर होता है। और जब इनका निर्माण होता है तो इनके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी रुधिर स्कंदन अगर ये नहीं होंगे तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। तो रुधिर का थक्का बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है इनका निर्माण करने के लिए, ठीक है। एक बात और, आप जानते हो कुछ बच्चे ये पूछेंगे अब कि सर हिपेरिन का क्या हुआ, हिपेरिन भी था तो था ना जो हमारी रुधिर वाहिनियों के अंदर रक्त को नहीं जमने देता। तो यहाँ देखिए, ये जो थ्रोम्बिनेज एंजाइम है एक तो काम क्या कर रहा है, ये प्रो थ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, थ्रोम्बिन के अंदर। साथ ही साथ जो हिपेरिन होता है ये एंटी हिपेरिन है, एंटी हिपेरिन का मतलब है ये हिपेरिन को भी क्या कर देगा, इनएक्टिव करने का काम करता है, कौन, थ्रोम्बिनेज। तो थ्रोम्बिनेज के दो काम याद रख सकते हो, एक तो ये एक्टिवेटर है इसका और सेकंड ये हिपेरिन को भी वहां पर आकर क्या करता है, इनएक्टिव करने का काम करता है। तो ये है रुधिर का थक्का जमना या रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया। नोट्स में आपको ये भी मिलेगा, इस पॉइंट्स के साथ आपको थ्योरी भी मिलेगी। आपको सिंपल ये याद करोगे तो थ्योरी तो आपको इजिली आप याद कर ही लोगे, ठीक है बच्चों। आई होप आज का जो सारा मैटर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर पूछा करें, कोई सजेशन हो, सुझाव हो इससे रिलेटेड तो आप वो भी जरूर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।